अंदर आप क्यों? दोस्तों, अगर आपने अभी अभी एपिसोड देखना शुरू किया है तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की कहानी में नियागो का नकाब और पोशाक हो जाते हैं। आप देखिए आगे। देखो, मुझे मार धाड़ पसंद नहीं है, तुम सीधी तरह से मेरी बात मान जाओ। आजाद होना चाहते हो तो रुखाया है, उसे बाहर निकालो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो कहा है वो कहो। और तू उससे क्या बातें कर रही हो? चुप रहो। इलोरी के बच्चे, अब तुम मेरे गुस्से की आग देखो। ये तो बहुत ही बढ़िया रहा है, गुस्सा भी कर लिया, गुदगुदी भी कर दी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब सीधी तरह अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं इस मशीन का इस्तेमाल करूंगा। डरो नहीं, मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है। मेरे अंकल ने एक बार केक खा ली थी, मैंने इससे उसे बाहर निकाला। अब तुम भी तैयार हो जाओ पीड़ो अड़ी। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे, दूसरा तरीका बताता हूँ। ये बताओ, पहला अक्षर कौन सा है? बताओ कौन सा अक्षर आ है? क्या तुम्हें सी अक्षर के अलावा कुछ नहीं आ रहा है? मेरे बच्चे घुटाला लेने के लिए पेन है।
मुझे मैं डर नहीं होता तो मैं भी इसे बचा लेती। ये तो नीचे नहीं उतर पा रही है, मगर इसे पेड़ पर लगने की क्या जरूरत थी। मैं तो इस पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ पाऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बचाने के लिए आ गया। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आज के बाद ये नियम सबकी मदद करेगा। अक्रम खेलने वाला आपका हम का नियम। आजा बच्चू, तुझे नियम बचाने आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने नियंत्रण का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छी खबर सुनाओ, एक बार फिर सब
सबको अपना दीवाना बनाने का लिया उनका सपना सपना ही रह जाता, क्योंकि सबका हीरो नहा फौज के अंदर वापस आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे माइटी कैट मास नियंत्रण के अगले मजेदार एपिसोड में। तो तब तक के लिए अलविदा।